ये भाई के घर पहली बार आया है, ये भी मेरा मायका है, कुछ मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ। आए हैं स्वागत के लिए, तो खाएंगे पियेंगे नहीं। 11 बजे सो के उठे थे, ससुराल में हम तो 6 बजे उठ जाते थे। लेकिन बाल ऐसे झाड़े थे, लेकिन जब देखी मैं ऐसे झाड़ रही थी, अपना भी फटाक से झाड़ ली। और माँ की सब्जी खाई, 2 बार माँ की रोटी खाई। देखो यूनिवर्सिटी का ही मतलब स्टैंडर्ड पर दी, मुँह बहुत बना बना के बोलती है। क्या करे, मेरा मुँह में बचपन से भगवान ऐसे दे दिया। इस मार्केट दर्जी छोटी से नाची, बड़ी से नाची। स्वागत करते हैं अम्मी टेन किटो जयसवाल के चैनल पे। तो गाइज, हम आप सबको पता है कि हम आए हैं कोमल भाभी जी के घर, आई मीन विनय भाई के घर पहली बार आए हैं। ये भी मेरा मायका है, कुछ मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, या फिर ये लोग भी कोई दूसरे कोई नहीं है, सब लोग अपने हैं। और यहाँ बिंदास होकर खा भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, जैसे अपना घर वहाँ वैसे ये भी घर है। तो ये नहीं कि हाँ ये दिल्ली में है तो इनको कुछ अजनबी समझे, ऐसा वैसा समझे, है ना बंदा दी। बंदा दी को हम बैक करके दिखाते हैं, और ये लोग आए हैं एकदम टूट पड़े हैं, टूट पड़े बात नहीं, फ्री का मिला है। और विनय भाई को एकदम चूस डालेंगी, उन लोग का पैसा खा कर एकदम खत्म कर डालेंगी। मिला फेंकेंगे थोड़ा ना, हाँ फेंकेंगी थोड़ी ना, इनको मिला है खाने के लिए। और ये लोग एकदम जैसे लग रहे ना गई सब्जी दिखाते, बैक करके रुक जाए। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। सो गाइस, बहुत ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब, मतलब व्हाट्सएप भी कुछ लोग कर दे रहे हैं कि दीदी आपका चेहरा एकदम क्यों चमक रहा है, चमकता जा रहा है। तो भैया बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, तो कमेंट्स के मैं प्रश्न भी करूंगा आप लोगों को इसमें, कि जैसे लाइक कुछ कमेंट्स आए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किटो दी आपका फेस पहले से बहुत साफ हो गया है, क्या मेरा भी फेस सही हो जाएगा। बिल्कुल सही होगा जी। मैम क्योर स्किन में क्या सच में डॉक्टर कॉल करते हैं जी? बिल्कुल सच में डॉक्टर कॉल करते हैं। दीदी कर सकते, क्या जेंट्स भी क्योर स्किन यूज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और बहुत ढेर सारे कमेंट्स है, मैं 4-5 कमेंट्स और लूंगा, तो इस तरह के कमेंट्स है स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। सो गाइस, क्योर स्किन को लेकर के हमने पहले भी ब्लॉग बनाया था, आप सब लोगों को क्योर स्किन के फायदे बताए थे, लेकिन कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे लगा क्यों ना अपने ब्लॉग में ही ऐड कर दिया जाए और बता दिया जाए आप लोगों को क्योर स्किन के बारे में। सो किट्टो का फेस पहले से बहुत ही अच्छा हुआ, किट्टो खुद बताएंगे। तो गाइस, आप लोग ये कमेंट करते हो कि दीदी आप मेकअप से ज्यादा आप ऐसे नेचुरल में अच्छे लगते हो। ये नेचुरल है, कुछ मेकअप नहीं, बस लिपस्टिक लगा रखा है, तो कुछ भी नहीं लगा रखा है, नहीं लगा रखा है हमने, फिल्टर भी नहीं यूज किया हमने अभी, तो कुछ नहीं किया है। आप ये देख लो, मेरा ना नेचुरल चीज ज्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है, मैं ये भी कर रही थी दीदी आपका पहले से बहुत ज्यादा, जब मैं ससुराल में गई थी, क्योंकि मैं जब से इसको यूज कर रही हूँ क्योर स्किन, तब से मैं मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा है। तो आप लोग का भी यही कमेंट आ रहा था, दीदी आप कोई क्या लगाते हो, कितना ज्यादा शाइनिंग कर रहा है। तो मैं क्योर स्किन का जो प्रोडक्ट है मैं वही यूज कर रही हूँ, और मेरे पे बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। बट आप सबको पता है कि कोई भी चीज लो तो मतलब तुरंत नहीं जाता है। तो मेरे फेस पे क्या है, छोटे 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 पिंपल्स थे, वो व्हाइट वाला पिंपल्स बहुत टाइट था, जो कि वो तुरंत नहीं जाता है, कितना भी दवा कर लो। लेकिन जब से मैं क्योर स्किन का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, तो मेरे ये जो छोटे छोटे पिंपल्स है बहुत सारा गायब हो गया है, बस ज्यादा थोड़ा सा रह गया है। तो मैं इसको फिर से, मैं मेरा ये खत्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम एक बार खरीदे है और ये हमारा पूरे। और आप लोग को पता है क्योर स्किन का लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसके पहले भी दिया था, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा सा शुरू से फिर से बता देना चाहता हूँ। क्योर स्किन का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप क्योर स्किन जब डाउनलोड करते हैं तो एक ऐप आप डाउनलोड करते हैं क्योर स्किन का, उसके बाद आपको सिंपल लॉगिन करना है, आपका एज पूछता है, मेल फीमेल पूछता है, आपको पहले कोई बीमारी थी कि नहीं थी वो सारी चीजें आपसे क्लियर पूछता है, प्रेगनेंसी को लेकर के पूछता है, कोई मेडिसिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो सारी चीजें आपसे क्लियर करता है। फिर चैट में आप सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, डॉक्टर आपको सारा कुछ आपसे पूछने के बाद आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, आपको आपके आपके चेहरे के अकॉर्डिंग, आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको एक किट मिलता है। जैसे किटो का एक किट मिला था, 4 प्रोडक्ट का मिला था, किटो को 4 प्रोडक्ट का किट मिला था, वो सारी चीजें। और ये इसका जो वैल्यू होती है 1500 रुपए तक के अंदर ही होता है, 1500 रुपए के ऊपर नहीं जाता है। और इसमें डॉक्टर आपको पर्सनली कॉल करते हैं, जैसे मेरे पास कॉल आया था जब मैं अपने ननद जी के यहाँ थी, तो मुझसे पूछे कि आप इसको आपको फायदा कर रहा है कि नहीं, तो मैंने बोला हाँ मैम मुझे बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है। तो वही हमको ये सब बाहर का आपसे टाइम टू टाइम वो फीडबैक लेते रहते, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और सारी चीजें आपसे क्लियर करते हैं, और आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट भी देते हैं आपको डॉक्टर।
आपको बताएंगे, हमसे पूछिए कि आप कोई ऐसा वैसा मेकअप तो नहीं करती हैं, मैं आपको जो बताऊंगी अगर आपको करना है तो डॉक्टर आपको सलाह देगा कि हाँ आप ये चीज यूज करो। जैसे हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं, वीडियोस बनाते, तो इसने पूछा था कि मुझे मैम मेकअप करना पड़ जाता है कभी कभी, तो उन्होंने सजेस्ट किया था आप मेकअप प्रोडक्ट जो भी यूज करें केमिकल वाला ना करें, पैराबिन फ्री का सारा कुछ उन्होंने बताया था सर, और डॉक्टर आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी देता है। और मैं बोलता हूँ अगर आप स्किन के किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका एक तो बार बार वो बुलाते हैं आपके पास, और जितनी बार जाते हो उतनी बार एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, मेडिसिन का अलग चार्ज लगता है, लेकिन इसमें डॉक्टर का कोई भी फीस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर बैठते हैं, और इसके जो भी डॉक्टर होते हैं काफी अनुभवी डॉक्टर होते हैं, तो आप इसमें मतलब की, और इसका जो मेडिसिन होता है ना 2 से 3 महीने तक आराम से, अभी तक किटो का मेडिसिन चल ही रहा है, सोचो लो आप, तो बहुत ही अच्छा क्योर स्किन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड यूज करना है किट्टो 100, अगर आप लोग कूपन कोड यूज करो तो आपको क्योर स्किन पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा, किट्टो के फेस में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आया है और बहुत ज्यादा ग्लो आ रखा है, किट्टो ने थोड़ा सा और पास आओ तो आप सब लोग भी क्योर स्किन जरूर डाउनलोड करें, चमक रही है, मत की हम ब्लशर लगाए, कुछ भी नहीं लगाया है, क्योर स्किन आप लोग जरूर डाउनलोड करें, और क्योर स्किन पे आप लोग बेझिझक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है आप बेझिझक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, चैट के द्वारा आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है सारा चीज, और इसका एक सुपर पावर फीचर होता है जिसमें आपकी प्रॉब्लम को ये कैप्चर करते हैं, जब आप दिखा दो प्रॉपर कैप्चर करके आपको डॉट डॉट करके दिखाते हैं कहां पे क्या प्रॉब्लम है। तो सारी चीजें आपको पहले भी हमने ब्लॉग में बताया था, उन ब्लॉगों का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा, और मैं यही कहूंगा क्योर स्किन आप लोग जरूर एक बार डाउनलोड करें और क्योर स्किन ऐप का इस्तेमाल करें और इसके मेडिसिन का इस्तेमाल करें और इसके डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, प्रॉपर तरीके से इसको यूज करना है, ये नहीं कि हाँ बीच बीच में छोड़ना है, इसको जैसे बोले वैसे करना है। थैंक यू सो मच गाइस, सब देख सकते हैं सोनाक्षी भाग रही है, छिप रही है, बहुत गंदी लड़की है, और ये सब बेचारा मेरा खा रहा है वहाँ बैठ करके आराम से, दोनों बैठ करके चाय पी रहे हैं और नाश्ता पानी कर लिए थे, वो सब वंदना दी के और विनय भाई के ब्लॉग में आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, पहली बार बहुत अच्छे से मेरा वेलकम हुआ है, स्वागत हुआ है, खाने को मिला अच्छा अच्छा, और मैं मीठा थोड़ा कम खाती हूँ तो मैं नहीं खाई और चाय भी नहीं पी, और वंदना दी एक प्लेट भर करके, बाप रे बिस्किट क्या खत्म का यार, कैसी लड़की हो यार तू, अरे तो उसी में से गए सब, सबको पता है जितना सब मिला है खाने को ना, वंदना दी ऋषभ और ये तीनों लोग बहुत एकदम बिंदास होकर खुल के खा रहे हैं, मैं आए हैं स्वागत के लिए तो खाएंगे पियेंगे नहीं, आपको हमारे घर में देखते ना मैं बहुत कम खाती हूँ, झूठ बोल रही हैं गाइस, झूठ बोल रही हैं, वहाँ भी खाती हैं, क्या झूठ बोल रही हो, और हम फर्स्ट टाइम आए तो आपको इनका दिखाते कितना ये फर्नीचर है, एक दो बहुत बड़ा है, तो विनय भाई को बैग वग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सब कुछ है, रिंग लाइट भी लेकर रखे हैं, और ये लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं सब कैसे खा रहा है, रात को विनय भाई तो है यार, ये विनय भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा वो केले पड़ जा रही हैं, जाओ वंदना दी तुम इतने आराम करो ना, जाओ यार सुबह, तुम तीन दिन से कुछ काम नहीं कर रही हो, सोचो खुद ही तुम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, नहीं थी तो हम ही कर रहे थे, हम जहाँ थे वहाँ नहीं कर रहे थे, ससुराल यहाँ तो 11 बजे उठती थी, 11 बजे सो के उठी थी, और ससुराल में हम तो 6 बजे उठ जाते थे, इनको समझ में नहीं आ रहा है 6 बजे उठते थे, आपको पता है वंदना जी कैसी हैं तो आप लोग को बता दीजिए, देखिए अरे देखिए अभी दुबली पतली हो रही है, सब लोग डाइटिंग पर है, आप लोग कोमल मोटी, कोमल मोटी नहीं है, वो देखने से ही लगता है बस, और लेकिन बहुत पतली हो रही है, चुचुक के नाम को है, चुचुक नेनुआ नुआ होगा, नई लोग को पता है हम बता रखे हैं इनके ब्लॉग में, मेरे भी है कि हम डाइट पे हैं, डाइट पे हैं, लेकिन तार चेहरा चुचुक गलर पता नहीं चलता कहाँ नाक हुआ कहाँ ओठ हुआ, देखो ना होना चाहिए सही है, ज्यादा मोटा मेकअप कर लोगी सब सही आता है, इतना भी डाइट रहे चेहरे को पता ना रहे, आप भी करिए डाइटिंग में आओ फैल जाएंगे, हम तो 7 बजे के बाद खाना कुछ खाते नहीं, नहीं करेंगे क्यों गाइस, हम कर रहे थे तो हम चक्कर नहीं, दोस्तों मेरा कहने का बुरा मत मानिए, क्योंकि ना ज्यादा बीमारी ना जो सॉरी ज्यादा मोटापा जो है बीमारी बढ़ाता है, लगाए हैं मेरा चार्ज नहीं था ना, ब्लॉगर डाली है झूठे कोमल जी पतली हो रही है, आज पर लोगों को कमेंट देखो नहीं हो, लोग ना ऐसे ही बोलते हैं, अजय आपको क्या कमेंट आ रखा है, हाँ किट्टो दी आप इतनी पतली हो रही है कि वंदना जैसी लग रही है, हाँ तो हम समझ रहे हैं उनके लोग का कहने का मतलब, फिर भी माइंड नहीं करते कुछ भी, अरे यार मोटे पतले खाते पीते घर के हैं और क्या बड़ा, सही बात है खाएंगे तो फिर क्या, नहीं जो नहीं खाते जो चुचका ऐसा रहता है सस्ता मोटा जाए, हाँ और इनका एक ये बेड है इस पे बहुत सही है, मतलब कि रूम के हिसाब से एरिया के हिसाब से सब कुछ सही है, हमको तो सही लग रहा था, वंदना दी बोल रही थी यहाँ पे तो डर लगता है ये वैसे कोई वैसे डर नहीं है, कोई डर नहीं हमको भी नहीं लगता है, हर जगह सीसीटीवी फुट है, मेरे गली के नीचे भी है, हर जगह आप वो डर नहीं तब कौन सा डर,
वो जो बाहर वाली लिंगिया है उसका डर। बातें चलती रहेगी और फिर कुछ देर में, और हम इनको इनवाइट भी कर दे रहे हैं, आए हैं तो बोल दे रहे हैं कि आप लोगों को एनिवर्सरी में मेरे आना है, क्योंकि घर पे होते तो मम्मी से ही बोलना पड़ता, लेकिन यहाँ पे है तो बोलना पड़ता है, फर्ज होता है, नहीं तो फिर घर पे तो सब लोग चाहते ही। तो विनय भाई और कोमल भाभी को लेकर आइएगा हमारी एनिवर्सरी में 21 जनवरी को। जी जरूर आएंगे। ये देखो बीने जी हमको अपना आईफोन गिफ्ट कर दिया। आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप क्या करोगे उनका? अपना चीज नहीं अच्छा था ना, ये दूसरों का समझिए अच्छा लगता है। ऐसे गाइस हम तैयार हो रहे थे ना, तो इनके पास ऑलरेडी सब मेकअप का है प्रोडक्ट, आ गई फटाक से मेरे में लगाने के लिए। क्या लगाए तुम्हारे में से? बस खाली वो लगाए, प्राइमर लगाए थे। बताइए क्यों लगाए थे? जानते हैं बाल ऐसे जा रहे थे, लेकिन जब देखिए मैं ऐसे जा रही हूँ तो अपना भी फटाक से झाड़ ली। इतना कॉपी करती है, कॉपी की मतलब नहीं, मेरा हाथ दर्द करने लगा शूट करते करते। तो नहीं जाने दो गाइस, मिलते कुछ देर में। तो गाइस ये बनाया मशरूम की सब्जी और कोमल भाभी जी ने बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, भगवान बहुत बनाई है। और हाँ दे दो, हम ले लेंगे। और देखिए दी थी बहुत अच्छे सर्व करके दी थी, तो मैं दो बार मां की सब्जी खाई, दो बार मां की रोटी खाई, और ये चावल है। मैं डाइटिंग करूँ लेकिन तब तक मैं खा रही हूँ। और मैं बोली भाभी को भी, भैया भाभी को कि आप लोग भी लेकर आके आके खा लो, कि टाइम हो गया खाने का, तो भी गई लेने के लिए। हम उल्टे सूट करते कर लो, अरे दादी सब मोबाइल चला रहा है, घर से हिलता ही है। धनिया पत्ती आप लोग के लिए। अरे ये खा के मन कर रहा जाके सो जाए बस। सब्जी तो होता है, जुड़े रहिए ब्लॉग में आके देखते क्या होता है। तो गाइस देखिए वंदना दी खा पी करके टंच हो करके मोबाइल चला रही है, और क्या, और मेरा कपड़ा स्कूल वाला ड्रेस का है। ये हमारा ब्लॉग देख करके बहुत हंस रही है, और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठंडा बहुत है, तप्पर भी तो नहीं पहने हो, कम्बल ओढ़े हैं ना, इन लोगों की शादी के बाद पहला ठंडी है ना। हाँ तो सर ये तो भी एक साल भी नहीं हुआ है, तो हम लोग का गर्मी में हुआ था ना। हाँ इतना बारिश, एनिवर्सरी एनिवर्सरी में भी गर्मी रहेगी इसके ना। एनिवर्सरी पे हम लोग कहाँ रहेंगे? कहाँ मनाओगे? घर पे मनाओगे? घर जो चीज घर पे है वो चीज नहीं मिलता। हाँ इसीलिए हम नहीं मनाए यहाँ पे, बस इसीलिए। अब जैसे यहाँ पे हम दिवाली थे ना, अच्छा लग रहा था दिवाली, और अपने पीछे फंक्शन करे वो अच्छा लगे। तो घर पे ही सब कुछ फंक्शन होगा, फिर वही गर्मी में आई हम लोग, फिर पसीना चुभत रहे इधर उधर। नहीं एसी वाला लॉन बुक कर देंगे ना, वहाँ लॉन से करोगे क्या? जहाँ भरा देखा अपने यहाँ खुला ना एसी लॉन वाला, वहाँ से। अच्छा उसके यहाँ जो उधर है फालतू दुनिया, 1-1.5 लाख खर्चा ही होगा। हाँ पैसे की बात नहीं है, यूनिवर्सरी मतलब होता है अपना अपना खास होता है बस खास ही खास। हाँ, लेकिन सुनो ना, बहुत लोग होते हैं कि जैसे पूरा बाजार पूरा वो देखो यूनिवर्सरी का ही मतलब स्टैंडर्ड पर शादी में लोग पूछते ही है ना, है कि नहीं? दी मुंह बहुत बना बना के बोलती है। क्या करे, मेरा मुंह बचपन से भगवान ऐसे दे दिया धक्का कर दिया। नहीं जी अच्छी लगती हो सब लोग, इसीलिए तो तुमको प्यार करते हैं ना। बोली पे ना ऐसे एक दिन क्या कह रही है, हम लोग जा रहे थे मार्केट, कह रही है बुढ़वा टांग दे थे एक बारवा लिख दी थी सोनाक्षी, हम घर पे नहीं है, हम दर्जी के पास है। अब बताइए कोई बात है, अब ये बोर्ड पे टांग देंगे कर रही है। बोर्ड है और सोनाक्षी ट्यूशन गई थी, उसके आने का टाइम हो गया था। अरे यार तुम्हारे पास दिमाग नहीं है कि हम बुढ़वा? हाँ तो कह रही है हम बाहर टांग दे रहे हैं और लिख देते हैं। पर्दा खोलेगी जब देखेंगे तो यहाँ लिख पड़ लेगी मम्मी मार्केट में है दर्जी के पास। और सोनाक्षी माँ इनकी बातें चल रही है, फालतू बात करती है। मम्मा इज मार्केट दर्जी, फालतू बात करती है। मम्मा इज मार्केट दर्जी। तो गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड का कम से कम 10 बार फोन आ चुका, चलो चलो निकलो निकलो। नहीं यार वो बोल रहे थे कि तुम निकलोगे तब हम निकलेंगे ना, तब निकलोगे हम निकले। आप लोग घर का चाबी तो आप ही लोग के पास होगा ना। हाँ इसीलिए कह रहे कि तुम, वही हमसे कह रहे कि तुम वहाँ पे हो तो हम पहुँच के वहाँ करेंगे क्या? कह रहे हम जल्दी पहुँच जाएंगे, तुम लोग नहीं पहुँच पाओगे, ट्रैफिक रहता है इधर। तो अब हम निकल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा करके, जैसा सुन रहे थे कि यहाँ पे डरावना उरावना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है।
उतना ये बोले थी डर लगेगा मन नहीं लगेगा ऐसे वैसे। अरे बहनी हम नहीं जब तो फिर हमारा काम रुक जाए। चला तो गाइस हम निकल रहे हैं, फिर से इनवाइट कर दे रहे कि ये लोग हमारे एनिवर्सरी में आएंगे और पहले से ही आएंगे। लो यार अपने 5 रुपया दे रही है, लो अपना 5 रुपया ले लो। चलो यार तो गाइस थोड़ा सा इमोशनल टाइम आ गया है और थोड़ा सा मेरे को बहुत दिन बाद आए तो अच्छा लग रहा है। मायका है एक दिन के लिए कोई आया, हम अपने मायके आए हैं और हम लोग जा रहे हैं। रोने लग गई है। नहीं गाइस होती रही, झूठ बोलती है। नहीं थोड़ा सा रोए आप सबको पता है वंदना जी फनी है, झूठ बोल रही है। नहीं जी नहीं रोई थोड़ा सा इमोशनल हुए। झूठे पानी लगा दिया, बहू ने थूक लगा दिया। झूठ बोल रही है, मैं ऐसा काम नहीं की हूँ, ये खुद की है और मेरा नाम लगा रही है। किसका मैसेज आ रहा है गाइस, हम चलिए सब लोग अपना सुरक्षित से अगर छोड़ने जा रहे हैं तो सब कुछ बंद बंद करके जा रहे हैं। ये तुम यहाँ से ब्लॉग बनाए पर बहुत अच्छा है, जैसे अच्छा है यहाँ पे जैसे ना यहाँ पे कैमरा रख दो वहाँ से बनाओ बहुत अच्छा ब्लॉग। लाइट नहीं है उतना, बस खाली सुनेंगे धीरे धीरे। तो गाइस चलो यार तुम लोग आगे चलो, हम ले चलते हैं। तो तुम लोग 100 रुपया आना जाना है लेकिन बोल रहे हैं 130 रुपया लेगा, तो हम चलिए भाई ने हम लोग के पास चेंज नहीं था 30 रुपया, तो 30 रुपया वंदना दी ने ले लिया, 100 रुपया दे देंगे हो जाएगा मिला करके 50-80 रुपया मेरे पास है। चलो देखेंगे मिला के दे देंगे, मेरा भी चार्ज नहीं है। नहीं तो गाइस हम आ गए हैं और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। क्यों थक गई हो? थक नहीं जाएंगे। और हमने ये मीशो से एक मंगाया था पैंट, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है। तो गाइस हमने ये हाईवे जीन्स मंगाया था, हाईवे जहाज हाई वेस्ट राइज हाई वेस्ट ब्लैक कलर का मंगाया था मीशो से, क्योंकि मेरी प्राची भांजी मंगाई थी ना, तो हम भी सोचे थे कि ठंडी आ रहा है तो आप बाहर निकलो फिर जीन्स जींस पहन के निकलो, तो ज़्यादा कोई देखिए भाई जैसे आए हैं वहाँ पहुँचे थे तभी आ गया था। अच्छा मिला है, बिल्कुल सही यही मंगाए थे। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है तुम्हें? नहीं लग रहा है ना, सबको नंबर आ गया 42 नंबर तक गई जी। हाँ ढीला ही मंगाए थे इसी की वजह से। हो हाँ इसमें 42 नंबर कितने मिला है? ये लास्ट था पूरा बुक हो गया, नहीं तो 42 नंबर 32 नंबर बुक हो गया था ना, तो 32 तो मंगाए हैं, तो इसमें 42 नंबर तो मिल जाएगा दिखाया है इसमें। लेकिन है हमने पैंट ये हाई वेस्ट जीन्स मंगाया था ब्लैक कलर का, और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। ये हमने भाई तुम्हारी ब्लॉग वाला कुछ अच्छा ना लगे, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है इस पे भी अच्छा लग रहा होगा पहने होंगे ना। हाँ सोनाक्षी में सोनाक्षी बड़ी अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने छोटी सोनाक्षी बड़ी सोनाक्षी छोटी सोनाक्षी बड़ी सोनाक्षी सोनाक्षी के लिए मैंने मंगाई थे जाने लो। ये यहाँ नहीं मिलेगा, ये ना मैंने सूरत से लिया, मंगा दो सूरत से, तुम्हारी सूरत में नहीं बन रहा है। तो सो गाइस इन लोग का पैंट दे सकते हैं, लंबे भी लग रहे हैं क्या जी? हम भी मंगा ले क्या? अगर साइज लगा तो मंगा लो 42 नंबर आपको तो बहुत अच्छा हो रहा है। चलो गाइस ब्लॉग में जुड़े रहिए, बहुत हो गया इनकी नौटंकी।